ये लगभग 10 साल पहले की बात है, जब मुझे एक नई नई नौकरी मिली थी और मेरी पोस्टिंग हुई थी पाथोर चंपा गांव में। अब तो स्टेशन का नाम भी बदल गया है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। पर जब यह घटना मेरे साथ घटी, तब देश आजाद नहीं हुआ था। पाथोर चंपा गांव पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव था। रेलवे लाइन खराब होने के कारण सफर करने का सिर्फ एक ही उपाय था और वो थी बैलगाड़ी। गर्मी और ठंडी के मौसम में ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन बरसात में और ज्यादा कीचड़ होने की वजह से और बैलगाड़ी के पहिए उसमें फंस जाते थे और गांव वाले हर रोज इस परेशानी का सामना करते थे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। हम यानी मैं और धीमान बिहार में रहता था और हम दोनों ने हमारा सफर एक साथ ही शुरू किया था। हमें बताया गया था कि हमारे रहने की व्यवस्था गांव के एक स्कूल में की गई थी। हमारा काम था गांव के लोगों से बातचीत करना और उनको कूली मजदूर का काम दिलवाना। इससे दो फायदे थे। इससे गांव के लोगों को आर्थिक सहायता मिल जाती थी और हमें मजदूर और कूली मिल जाते थे। हम घर से ट्रेन में बैठकर पाथोर चंपा गांव पहुंचे तो तब तक रात हो चुकी थी। बैलगाड़ी से हमें लगभग 2 घंटे में गांव पहुंच जाते थे, लेकिन थकान से मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हम स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर कोई नहीं था, पूरा रास्ता सुनसान था। लेकिन वहां पर चारों ओर इतना अंधेरा था कि मानो रास्ता कंबल ओढ़कर सो रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और इतनी थकान होने की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैं धीमान को भी देख रहा था, उसकी हालत भी मेरे जैसे ही हो रही थी। मैं कुछ सोच रहा था तभी धीमान बोला, भाई क्या हम आज रात इस स्टेशन पर ही सो जाएं? कल सुबह चले जाएंगे ना? थकान से मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि गांव यहां से कितना दूर था। आगे का रास्ता देखा तो इतना अंधेरा था कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगर मैं अपनी आंखों से ये सब नहीं देखता तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि अंधेरा इतना काला हो सकता है। मैं स्टेशन मास्टर के ऑफिस के तरफ गया। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस के बाहर ताला लगा हुआ है। मैंने पूरे स्टेशन पर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मेरी नजर धीमान पर पड़ी। वो थका हुआ था, एक बेंच पर बैठा हुआ था और मैं भी बहुत थक गया था तो उसके पास जाकर बैठ गया। गर्मी भी बहुत थी। हम खुले आसमान के नीचे बैठे थे लेकिन यहाँ इतने मच्छर थे, एक रात आप यहाँ बिताएंगे तो मलेरिया से मर जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं धीमान की तरफ देखा तो मैंने देखा कि धीमान सो गया था और उसके पैर बेंच से नीचे लटक रहे थे। तो मैंने उसको सीधा सुला दिया और ठंडी ठंडी हवा के कारण मुझे भी नींद आ गई। सोए हुए पता ही नहीं कितनी देर हो गई थी, लेकिन मुझे हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज आई और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि स्टेशन पर बहुत सारे लोग थे। वो लोग ऐसे खड़े थे कि जैसे कि अभी ट्रेन आने ही वाली थी। मैं एक आदमी के पास गया और उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया है। मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के 3 बजे हुए थे। अचानक से एक रोशनी स्टेशन की ओर आ रही थी और इतनी रात को ट्रेन देखकर मैं हैरान था। खड़खड़ की आवाज सुनकर सभी लोग उठकर खड़े हो गए। तब मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि सब लोग मुझे ही देख रहे थे। मैंने लोगों से पूछने की कोशिश की लेकिन किसी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर अचानक सभी हाथ हिलाकर मुझे बुला रहे थे। मैं भी अचानक से आगे बढ़ने लगा। मेरे पास कोई टिकट नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ट्रेन कौन सी थी, और फिर भी मैं आगे ही बढ़ता जा रहा था तो मुझे लगा कि आगे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। फिर भी ट्रेन रुक गई
ऐसा लग रहा था कि मुझे लेकर ही जाएगा। अब अच्छे से ध्यान देकर सुना तो सब मुझे ही बुला रहे थे। आओ आओ इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, इधर इधर आओ, आओ इधर इधर आओ, आओ आओ इधर आओ, आओ इधर आओ। मैं उनकी ओर बढ़ने लगा। अब कोई भी द्वंद्व नहीं था मेरे मन में। ट्रेन के कंपाउंड में जैसे ही मैंने पैर रखा, तभी एक छोटे कद का आदमी आया और मुझे धक्का दिया। उस धक्के से मैं नीचे गिर पड़ा स्टेशन के ऊपर, और उसी वक्त ट्रेन भी बहुत जोर आवाज के साथ काले अंधेरे में कहीं खो गया। मैं स्तब्ध होकर स्टेशन पर बैठ गया। धीमान अभी भी सो रहा है। अब मैंने ध्यान से मेरे सामने बैठे आदमी को देखा, जिसे मैं छोटा समझ रहा था। वो छोटा नहीं है, बल्कि उसके पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ है। कुबड़ के भार से कमर झुक कर चलता था वो। मुझे चुपचाप बैठे उसने देखा। कितना बड़ा खतरा होने वाला था आज, अगर मैं ना आया होता तो। किस चीज का खतरा? वो शापित ट्रेन है, वो असली में है ही नहीं। हर रात इसी तरह लोगों को नर्क में खींचने के लिए आती है। एक बार जो उस ट्रेन में चढ़ा, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती है वो। मैं अपना कपड़ा झाड़ते हुए फिर से बेंच पर जाकर बैठा। वो आदमी भी धीरे से आकर मेरे पास बैठा। असल में बात क्या है, जरा खुलकर बताएं। मध्य रात की ट्रेन है, परंतु तुम कह रहे हो शापित ट्रेन। मुझे भी लगा जैसे कोई पुकार से मैं सम्मोहित होकर उठने ही वाला था। वो आदमी और भी स्पष्ट आवाज में कहने लगा। इस कारणवश रात में कोई स्टेशन पर नहीं रहता। स्टेशन मास्टर जी रात के 11 बजते ही चले जाते हैं। सिर्फ एक गार्ड रहता है रखवाली करने के लिए, लेकिन वो भी नशे में चूर होकर कहीं पड़ा होगा। अगर हजारों ट्रेन भी आ जाए, फिर भी उसकी नींद नहीं टूटने वाली है। परंतु बाबू साहब, आप लोग इतने रात में स्टेशन में क्यों? उसे सारी बात खुलकर बताने के बाद उसने कहा, पाथौर चंपा गांव अभी भी बहुत दूर है, कुछ घंटे की बात है। मैं ये सोचकर स्टेशन पर बैठा रहा, सुबह होते ही मुझे बैलगाड़ी मिल जाएगी। उस आदमी के धीरे धीरे अंधेरे में कहीं खो जाते हुए देखा। मैं पीछे से आवाज लगाकर पूछा, आप कौन है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है, अच्छा चलते हैं फिर मुलाकात होगी। उसका नाम सुनाई नहीं दिया, उसे पहले ही वो गायब हो चुका था। स्टेशन के नल के पानी से मुंह धोकर फिर से बेंच पर जाकर लेट गया। फिर कब नींद छा गई आंखों पर पता ही नहीं चला। नींद टूटा धीमान के बुलाने पर, अब उठ भी जाओ, पराशर आ चुका है। स्टेशन के बाहर जाकर देखा, बैलगाड़ी के ऊपर बैठा है एक अधेड़ उम्र का आदमी। हम दोनों को देख जल्दी गाड़ी से उतरकर सब सामान लेकर गाड़ी में रखना शुरू किया। बैलगाड़ी पर बैठे तो हट हट आवाज करते हुए गाड़ी अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। कल रात क्यों नहीं आए थे? बाबूजी, रात होने पे ये स्टेशन आना मतलब गांव की बातें हैं साहब। धीमान को कल रात के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैं भी उसे कुछ नहीं बोला। गाड़ी इत्मीनान से आगे बढ़ते जा रही थी। चारों ओर प्राकृतिक दृश्य को देखकर ही पता चलता था कि एक पिछड़ा हुआ गांव है। कोई पक्का घर भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक चुपचाप चलने के बाद बैलगाड़ी का ड्राइवर ने खुद से बोला, मतलब बाबूजी, कल रात को स्टेशन में कुछ देखा गया? धीमान ने उत्तर दिया, क्या देखेंगे? असल में रात के 3 बजे एक शैतानी ट्रेन आती है। सुनते ही मेरे पीठ के बीचों बीच एक ठंडी सी लहर दौड़ी। मतलब कल रात की घटना सच्ची थी, कोई सपना नहीं। सुबह उठकर मुझे सपना जैसे ही लग रहा था। ये ट्रेन का क्या माजरा है? खुद को जितना ही हो सके स्वाभाविक रखते हुए प्रश्न पूछा।
वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वो ट्रेन आती है रात को, हाँ। जो मिलता है नरक के दरवाजे तक ले जाता है। जो उस ट्रेन में चढ़ता है वो फिर से प्रेत बन के पृथ्वी में लौट के आते हैं। मुक्ति नहीं मिलती उनको। रोज रात को ये घटना बार बार घटती है। कितने लोगों को ले गया है। ये गांव भी इसलिए पूरा खाली हो चुका है। कुछ परिवार ही रहते हैं सिर्फ। आखिर के कुछ बातें सुनकर सिर पर हाथ देकर बैठ गया। कोई नहीं रहता तो कुली और मजदूर कहां से मिलेंगे। जब उसे ये बात पता चली तो उसने कहा, 10-15 घर मिला के पाथोरछपा गांव है। यहाँ पे मजदूर कहाँ मिलेगा साहब। स्कूल के जिस घर पे आप लोगों के लिए रहने का व्यवस्था किया है वो घर भी तो आजकल बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। बारिश होने पे हम लोग स्कूल पे ही अपना डेरा जमाते हैं। मजदूरों के लिए पास वाले गांव में जाना पड़ेगा। वो सब लेके सोचिए मत। कंपनी का कागज दिखाकर पैसों की लालच में सभी आएंगे। फिर कुछ पल सब चुपचाप बैठे। प्रेत बनकर लौट आते हैं, इस बात का क्या अर्थ है, मैं उत्कंठा से पूछा। असल में बात क्या है, खुलकर बताओ। पराशर ने बोलना शुरू किया। वो बहुत दिन पहले की बात है।